Hi, this is Neeraj Garg, and you are watching Area Related to the Circles. Find the area of shaded region in figure 12.20 if the radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively. And angle AOC is equal to 40 degree. ठीक है, हमें इस shaded region का area निकालना है, जो shaded region हमें given है. और हमें दोनों के रेडियाई गिवन है, मतलब ए ओ हमें गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर और ओ बी हमें गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू क्या लगाओगे, सोचो जल्दी से और बताओ, सोचो कमेंट सेक्शन में लिखो क्या फॉर्मूला लगाओगे. एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू भाई इस बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दो तो ये निकल आएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है ये, दैट इज ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी. ठीक है, तो फॉर्मूला अगर हम इसको ले लेते हैं कैपिटल आर, ओ ए को क्या ले रहे हैं हम कैपिटल आर, और इसको ले रहे हैं हम स्मॉल आर. ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर. कॉमन ले लेते हैं तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कॉमन आ गया और ब्रैकेट में रह गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. और इसके बाद वैल्यूज पुट कर दो, थीटा कितना है 40 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और कैपिटल आर है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर. राइट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 9. तो ये आ गया 22 अपॉन 9 इंटू 7 और ये 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर. इसमें तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. 196 माइनस 49, ठीक है, देन 22 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू ये कितना आ जाएगा माइनस करके, ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 147, ये 7 से कैंसिल हो गया, 21 3 से कैंसिल हो गया 7 और ये आ गया 3 और ये हमारे पास जो आंसर आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.